नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगभग एक साल बाद पटियाला जेल से रिहा हो गए हैं। एक व्यक्ति की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर 45 दिन पहले उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनकी पत्नी नवजोत कौर स्टेज 2 कैंसर से गुजर रही हैं और पिछले दिनों एक बहुत ही भावुक ट्वीट किया था। लेकिन रिहाई से पहले ही मान सरकार ने कर दिया खेल, घटा दी उनकी सुरक्षा, जेड प्लस से ले आ दिया वाई श्रेणी पर। सिद्धू निकले जब जेल से तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने शीश झुकाया, सबका अभिवादन किया, सबका धन्यवाद किया, इसके बाद बोला सीधे हमला। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरकार इसका क्या मतलब है? आपको बता दें कि कांग्रेस को बेदखल करके आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में आई है। कांग्रेस और आप में लड़ाई हुई, बीजेपी वहां लड़ाई में भी नहीं है। सिद्धू ने सबसे पहले लोगों के सेंटिमेंट्स को पकड़ने की कोशिश की है। अभी जो वहाँ पे अमृतपाल भागा फिर रहा है, पुलिस पीछे पीछे है, उसको लेकर के जो लोगों के किराए है या भावनाएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बोला है। ये बात अलग है कि अमृतपाल को कोई खास समर्थन वहाँ पे नहीं है, लेकिन राजनेताओं को चारा चाहिए, वही चारा उन्होंने हासिल करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि बाहर आने के बाद वो क्या उसी स्टाइल में एग्रेसिव राजनीति करते हैं या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो 5 साल के लिए आ चुकी है। पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को हटाने में उनका हाथ रहा, उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया, सोचा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जब बारी आई मुख्यमंत्री बनाने की तो कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया, उसको भी लेकर के वो नाराज रहे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और इसी दौरान किस्मत ने उनको धोखा दिया और हो गई जेल। अब जेल से रिहाई के बाद क्या वो नए सिरे से अपनी राजनीति शुरू करेंगे, उसी एग्रेसिव अंदाज में शुरू करेंगे या कुछ और, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।